पुराणों में पद्म पुराण का स्थान सबसे ऊंचा है। 18 पुराणों में पद्म पुराण को ही श्री भगवान के पुराण रूप विग्रह का हृदय स्थानीय माना गया है। वैष्णवों का तो यह सर्वस्व ही है। इसमें भगवान विष्णु का महात्म्य विशेष रूप से वर्णित होने के कारण ही यह वैष्णवों को अधिक प्रिय है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। उन्हें साक्षात श्रीहरि का रूप बताया गया है। हृदय के अंधकार यानी भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए श्रीहरि ही पुराण रुद्र रूप धारण करते हैं। पुराणों का श्रवण सबको नित्य करना चाहिए। अगर मनुष्य प्रतिदिन पुराणों का श्रवण करते हैं तो आपके अंदर का खालीपन, अंधकार, चिंता, डर, भय सब दूर हो जाएगा। पुराणों में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों का बहुत ही सुंदर तरीके से संक्षेप किया है। चारों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इसे भी भली भांति समझाया गया है। भगवत प्रीति भी पुराणों के श्रवण से आसानी से ही प्राप्त की जा सकती है। आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मनुष्य को निरंतर श्री कृष्ण के अनुभूत पुराणों का श्रवण करना चाहिए। पुराणों का हमारे यहाँ इतना आदर रहा है। वेदों की भांति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गए हैं। उनका रचयिता कोई नहीं है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनका स्मरण ही करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार पुराणों का विस्तार 100 करोड़ श्लोकों का माना गया है। समय के परिवर्तन से जब मनुष्य की आयु कम हो जाती है और इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पाठन एक जीवन में मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करने के लिए स्वयं भगवान प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप में अवतरित होते हैं और उन्हें 18 भागों में बांटकर 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही भूलोक में प्रकाशित होता है। कहते हैं कि स्वर्ग लोक में आज भी 1 अरब श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्वान है। इस प्रकार भगवान वेद व्यास भी पुराणों के रचयिता नहीं है, अपितु संक्षेपक अथवा संग्राहक ही सिद्ध होते हैं। पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। जो बात वेदों में शुद्ध रूप से कही गई है, वही बात पुराणों में विस्तार से बताई गई है।